जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। दोस्तों बात करते हैं घड़ी के चैप्टर के बारे में। दोस्तों घड़ी के जो चैप्टर है उसमें हम आपको आज सिखाएंगे कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच कितने अंश का कोण होगा, अति व्यापन पर विपरीत दिशा में कितने और समकोण पर क्या कोण होगा। तो घड़ी के माध्यम से हम आपको शॉर्ट ट्रिक तरीके से पूरा चैप्टर आपको समझाएंगे और उसके बाद जो बताएंगे दोस्तों दर्पण होगा, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। तो इनमें जो समय होगा घड़ी का वो किस प्रकार दिखता है, जल और दर्पण दोनों में भी आपको इसके ऊपर भी सवाल हल करके दिखाएंगे दोस्तों। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज हम आपके लिए आए हैं घड़ी का जो चैप्टर है, तो आपका रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर है, तो आज घड़ी के बारे में बात करते हैं आपको। तो दोस्तों कुछ शॉर्ट ट्रिक तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करेंगे जो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहले इस पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें है जो घंटे वाली सुई होती है, जो आपकी घंटे वाली सुई होती है, घंटे वाली सुई उसके जो कोण है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो घंटे वाली सुई है 12 घंटे में 360 अंश का कोण बनाती है। जैसा कि अब ये आपकी एक घड़ी मान लो, तो जो घंटे वाली सुई होगी वो इस प्रकार से घूमती है और फिर यहीं आ जाती है। तो इसका जो घेरा है ये 360 का होता है, ये पूरा घेरा 360 का होता है। तो घंटे वाली जो सुई है पूरा एक चक्कर लगाने में इसका 360 डिग्री का कोण बनाती है। बात कर लेते हैं एक घंटे में कितना कोण बनाएगी। अगर पूरा 12 घंटे में 360 का डिग्री का कोण बनाएगी तो एक घंटे में यहाँ से यहाँ तक कितने का अंश का कोण बनाएगी, तो इसमें 12 का भाग कर देंगे तो हमने 12 का भाग किया तो 30 अंश का कोण, यानी कि जो घंटे वाली सुई है यहाँ से यहाँ तक आने में 30 अंश का कोण बनाएगी। बात कर लेते हैं एक मिनट में, एक घंटा बोलो या 60 मिनट बोलो एक ही बात होती है, 30 अंश का कोण बनाती है। अब बात करते हैं एक मिनट में, अब एक मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, तो ये 30 अंश का कोण बना रही है 60 मिनट में, तो एक मिनट के लिए इसमें 60 का भाग कर देंगे तो 1/2 इसका आ जाएगा, 1/2 अंश का कोण बनाएगी दोस्तों एक मिनट में घंटे वाली सुई 1/2 यानी कि आधा कोण बनाएगी। वहीं बात करते हैं मिनट वाली सुई के बारे में, जो मिनट वाली सुई है वो एक घंटे में 360 अंश का कोण बनाएगी। जो मिनट वाली सुई होती है वो एक घंटे में एक चक्कर लगाती है तो वो 360 अंश का कोण बनाएगी। वही बात करें 60 मिनट, एक घंटा या 60 मिनट एक ही बात होती है, तो 60 मिनट में 360 अंश का कोण बनाएगी, तो एक मिनट में, अब 360 में हम एक मिनट यानी 60, एक मिनट निकालने के लिए 360 है एक घंटे का, एक मिनट के लिए 60 का इसमें भाग करेंगे तो 6 अंश का कोण बनाएगी। तो जो मिनट वाली सुई है दोस्तों, जो मिनट वाली सुई है वो एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का एक मिनट। अब देखो यहाँ से 12 है यहाँ तक एक मिनट होगी, तो एक मिनट में लो तो 12 से यहाँ तक एक मिनट होगी, तो इन दोनों के बीच यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 6 डिग्री का कोण बनाएगी दोस्तों, 6 डिग्री का कोण एक मिनट में। तो एक मिनट में जो बनाएगी मिनट वाली सुई एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी, ये आपको लिख लेना है क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, घंटे व मिनट की सुई के बीच, जो घंटे और मिनट की सुई है उनके बीच क्या होता है। दोस्तों तीन प्रकार के कोण होते हैं आपके, पहला है अतिव्यापन कोण ज्ञात करना, यानी कि जो सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होती हैं, मान लो ये घड़ी आपकी 12 बजने पर ये दोनों सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होंगी इस प्रकार से, तो इस प्रकार का जो कोण होता है यानी 0 डिग्री का कोण बोला जाता है इसे, इसमें कोई कोण नहीं होता, 0 डिग्री का कोण होता है तो इसे अतिव्यापन कोण कहा जाता है। तो ये एक कोण ये बनाते हैं। दूसरा होता है विपरीत दिशा यानी कि 180 का कोण बनाना, जो विपरीत दिशा होंगी, मान लो एक सुई ये होगी आपकी 3 बजा रही है और दूसरी जो मिनट वाली सुई होगी 9 पर होगी, तो वो एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो ये जो कोण होगा वो 180 का होगा, 180 कोण होगा क्योंकि पूरा 360 होता है तो आधा 180 हो गया इसका, 180 कोण होगा, तो इसे बोलते हैं विपरीत दिशा यानी 180 का कोण ज्ञात करना। तीसरा जो दोस्तों वो है समकोण यानी कि 90 अंश का कोण बनाना, तो 90 अंश का कोण के लिए क्या होगा, 90 अंश का कोण जो बनेगा आपका यहाँ से देख लो, एक सुई आपकी मान लो 3 बजे पर, एक 3 पर होगी और दूसरी जो होगी 12 पर होगी, यानी कि जो घंटे वाली सुई 3 पर होगी और मिनट वाली सुई 12 पर होगी, तो 3 बजेगा, 3 बजे पर जो एक दूसरे के ऊपर ये समकोण होंगे
तो ये जो होगा ये 90 अंश का कोण होगा, तो यहाँ आपका 90 अंश का कोण बनेगा। तो ये तीन कोण इसमें बनाते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है आपका 12 घंटे में 22 बार समकोण बनाती है, यानी 12 घंटे में 90 अंश का जो कोण होगा वो 22 बार बनेगा। सिर्फ 12 घंटे की बात कर रहे हैं, 12 घंटे में 90 अंश का कोण यानी कि समकोण, समकोण जो होगा आपका वो 22 बार बनेगा। यदि 24 घंटे की बात करें, 24 घंटे में 90 अंश का कोण समकोण बनेगा आपका 44 बार। तो आपको याद कर लेना, क्योंकि 24 तक भी जो घड़ी होती है उनमें 24 तक भी बचता है, तो 24 घंटे की बात करें तो 44 बार दुगना हो जाएगा। अब बात करें विपरीत दिशा में, यानी 180 का कोण। अब विपरीत दिशा की बात करें तो 12 घंटे में 180 यानी विपरीत दिशा का कोण जो बनेगा आपका 11 बार बनेगा। और यदि 24 घंटे की बात की जाए तो 180 यानी विपरीत दिशा में जो कोण है वो 22 बार बनेगा। दोस्तों ये आपको दोनों ही पॉइंट याद रखने हैं, 12 घंटे का और 24 घंटे का, यानी दुगना हो जाता है। जब घंटे दुगने तो कोण भी दुगने हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरा पॉइंट। तो इसमें 12 घंटे में 11 बार दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे, यानी जो 0 डिग्री का कोण होगा, 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण बोल लो, यानी ऊपर नीचे जो सुई होंगी वो 11 बार होंगी। और 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में ये दोनों 22 बार होंगे। इस प्रकार से दोस्तों ये कुछ पॉइंट हैं जो आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लेता है, तो आपको ये याद करने होंगे तीनों पॉइंट। और यहाँ से आपको जानना होगा कि अतिव्यापन कोण क्या होता है, विपरीत दिशा में कितने अंश का कोण होता है, समकोण पर कौन सा कोण होता है, ये आपको याद करने हैं। और ये जो पॉइंट है, ये घंटे वाले और मिनट वाले, इनको भी आपको याद करना है। ये भी आपकी परीक्षा में आने वाले बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, यहाँ से बनते हैं, तो इनको भी आपको याद कर लेना है। इन्हें लिख लेना अपनी कापी पर और इन्हें नोट कर लेना है। यहाँ से इनको आपको याद करना, डायरेक्ट पूछ लेगा और इसको भी डायरेक्ट पूछ लेता है, क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है और ये आपको जानकारी होगी। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ जो क्वेश्चन होंगे, किस प्रकार के आपके क्वेश्चन बनने वाले उसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन है 4:30 पर कितने अंश का कोण होगा। तो दोस्तों इसे हल करने के लिए जो सूत्र है वो सूत्र आप लिख लीजिए। सूत्र है आपका 11/2 यानी मिनट -30 × h यानी कि घंटा। तो ये आपका जो सूत्र है, ये सूत्र है, इसे आप नोट कर लो। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये सूत्र लगाना है। इस सूत्र को लगा दीजिए, 11/2 m की जगह यानी मिनट कितनी है 30 × 30 माइनस 30 है सूत्र में है, गुणा h यानी घंटा कितने 4 कर दीजिए, इनके गुणा कर लीजिए, 2 से इसे काट दिए 15। और 15 की अगर हम यदि 11 × 15 − 30 × 4 तो यह आपका हो जाएगा 15 और 165 हो गया, −120 हो गया, इन दोनों की गुणा करें। अगर इन्हें आपस में घटा दिया जाए तो ये कितना होगा आपका, ये आपका होगा 45। तो 45 डिग्री का जो आपका कोण है इनके बीच में बनेगा दोस्तों। एक तो दोस्तों ये तरीका हो गया। अगर आप चाहते हो कि मुझे सूत्र याद ना हो और मैं ऐसे ही करूं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो उसके लिए मान लो अगर आप सूत्र से नहीं करना चाहते हो, अगर इसे बिना सूत्र के हल करना चाहते हो, तो उसका भी एक तरीका है। ये आपका चार घंटे हो गए आपके, 4 घंटे में कितने मिनट होंगे, 4 × 60 6×4 = 240 मिनट होगी आपकी, और 30 मिनट पहले हैं तो 30 और जोड़ दो 270 मिनट होगी आपकी। ये हो गया 270, ये 30 जो मिनट हैं ये हमने ऐड कर दी, पूरा मिनट बना दिया, 270 हो गया। अब दोस्तों आगे इसमें क्या माइनस करना है, 30 मिनट है और 1 मिनट में कितने डिग्री कोण होता है, 6 डिग्री का, तो इसमें 6 का गुणा कर दीजिए। अब 270 है, दो टोटल हो गया 270। अब 270 क्या करना है, इसमें से करना है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है तो 30 मिनट है, तो 30 को गुणा 6 डिग्री से कर देते हैं। अब जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में 1/2 का कोण बनाती है, तो 270 को
270 को 1/2 से गुणा कर देते हैं, तो इसे अगर करें तो हम इसे काट दीजिए 2 से, 2 × 2, 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10, 135 हो गया दोस्तों। तो क्या करना है, 135 को ये आ गया आपका 135 − 6 = 18, 180 डिग्री, 35 × 5 = 40 और आपका 45, ये आपका 45 डिग्री का कोण हो गया दोस्तों। ये तो आप या तो इस तरीका से निकाल सकते हैं क्वेश्चन को अपने को, या इस यानी 4 30 पर कितने अंश का कोण बनेगा, अगर कोण की बात करें तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, या सूत्र के माध्यम से, आपका सूत्र है, इसके माध्यम से भी आप निकाल सकते हो, आप किसी प्रकार से भी हल कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर ये 2 है, अगर आप पहले नहीं समझ पाए तो अब की बार आपकी समझ में आ जाएगा। तो ये आपका 7:35 पर कितने अंश का कोण होगा, तो आप सूत्र रख दीजिए 11m/2 − 30 × h, ये आपका है सूत्र, आप इसे याद कर लीजिए, इसमें मान रख दीजिए। तो 11 × मिनट की जगह 35 − 30 × h की जगह आपका घंटा यानी 7। अब इन्हें आप जल्दी से हल कर दीजिए, 11 और 35 अगर इनके आप गुणा करोगे तो ये 385/2 नीचे आ जाएगा, माइनस अब इनके आप गुणा 7 × 21 = 210, ठीक है दोस्तों। अब 2 से इसको काट लीजिए, अगर हम 385 को 2 से काटते हैं, यहाँ से अब इधर हल कर लेते हैं, 100 ये आपका बनने वाला है 2 × 2 और 1 × 9 = 18 और 5 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, 1 बचेगा 0.5, 92.5 आपका बनेगा, माइनस 210 कर देना है, इसमें से घटा दीजिए, कितना आपका बचने वाला है, तो आपका बचेगा 17.5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 17.5 डिग्री का आपका जो आंसर है वो होने वाला है, इसमें इतने अंश का इसका कोण बनेगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों बात करते हैं, जो ये आपके पॉइंट दिए 3, अतिव्यापन 0 डिग्री, विपरीत दिशा 180 और समकोण 90, इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अभी अतिव्यापन वाला, तो अतिव्यापन पर क्वेश्चन पर बनाते हैं। तो ये अगर मान ले क्वेश्चन है 2, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन ले लिया कि दोनों सुइयाँ 2 और 3 बजे के बीच कब एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापन होंगी। अगर ए पॉइंट 12/11 × मिनट, मिनट आप इस प्रकार से इसे लिख लीजिए, ये आपका सूत्र है, यहीं से इस क्वेश्चन को बना दिया जाएगा। तो दोस्तों इसे हल करने के लिए हमें घड़ी का सहारा लेना होगा, और घड़ी का सहारा लेने के लिए हमें ए जो दिया है ये दिया शुरू का घंटा यानी कि 2, यहाँ समय कर लेते हैं, मान लो ये हमारा 2 बजा है इस समय, घड़ी में हमारी घड़ी में 2 बजा हुआ है। तो ये एक दूसरे के ऊपर कब होंगे, जब ये वाली मिनट वाली सुई घूम करके यहाँ आ जाएगी इसके ऊपर, तब ये एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे। तो जब ये यहाँ आएगी तो इसे आने के लिए कितने मिनट का समय लगेगा, 5 और 5 = 10, 10 मिनट का समय लगेगा यहाँ तक आने पर, और 10 मिनट में ये वाली सुई बहुत कम थोड़ी सी इधर हो जाएगी, तो इसे 10 मिनट का समय लगेगा इसके ऊपर आने पर। तो कितने मिनट का समय लगेगा दोस्तों, 10 मिनट का। तो यहाँ आप 10, ये एक शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, तो यहाँ हो गया 10, अब इसे आप हल कर लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 10 मिनट का समय लगेगा, कितने मिनट का समय लगेगा, 10 मिनट का। तो ए हमारा घंटा है यानी जो 2 और 3 शुरू वाला घंटा, तो 2 को ऐसे ही रख लेंगे क्योंकि 2 घंटा है, इसे कोई छेड़ना नहीं, उसके बाद ही प्रक्रिया होनी है। तो इसमें कर लेंगे आप 12/11 × 10 और इसको हल कर लीजिए, 200 120, 12 × 10 करेंगे तो 120/11, अब इसको काट दीजिए तो ये आपका 11 के लिए आपको आएगा 11 सही 10 और 10, यानी कि अब इसका जो है ये है 10 बजकर 10 सही 1/11, तो जो सही उत्तर होगा 2 बजकर 10 सही 11 सही 10/10, तो ये इसका जो उत्तर है वो सही उत्तर होने वाला है दोस्तों। इस प्रकार से आपको हल करना, जो ए है वो शुरू वाला जो घंटा हमारा 2,
इसको ऐसे ही रखना है, इसे इसको कोई छेड़ाखानी करनी नहीं। बाकी जो उसके बाद जो प्रक्रिया है 12/11 मिनट इसमें ही आपको हल करना है। और उसके बाद जो 2:10 यानी 2:10 कुछ सेकंड है, ये जो हमने कहा था कि थोड़ा सा आगे हो जाएगी, तो ये वही है। तो इतने बजे पर ये एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे दोस्तों। अब तो दोस्तों एक क्वेश्चन और ले लिया हमने, 7 और 6 बजे के बीच कब अतिव्यापन होंगे, इसी का ही है। तो एक क्वेश्चन और ले लिया, शायद इससे आपको और भी अच्छा समझ में आ जाए। तो इसका जो सूत्र है 12/11 मिनट, ये आपका सूत्र है, आपको याद ही है। ए यानी कि शुरू वाला समय और 12/11 मिनट, तो इसमें आप देख लेते हैं। तो 6 को हमें ऐसे ही रखना है, बाकी इसमें प्रक्रिया करनी है, 6 को अभी ऐसे ही रखना है। 12/11 अब मिनट जो लेना है आपको, तो ये कह रहे 6 और 7 बजे के बीच कब एक दूसरे के ऊपर होंगे। तो यहाँ देख लीजिए आप, जब 6 बजा होगा, मान लो ये वाली घड़ी यहाँ होगी, यहाँ होने की वजह से, तो जब ये मिनट वाली सुई घूम करके यहाँ आएगी, यानी कि आधा घंटा इसके ऊपर जब आएगी, तो कितने 30 मिनट हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन जब घंटे वाली सुई यहाँ आ जाएगी, आधे में आ जाएगी, क्योंकि पूरे चक्कर लगाने 7 पर आ जाएगी, लेकिन आधा चक्कर लगाएगी तो वो लगभग आपके यहाँ इस पॉइंट पर आ जाएगी। तो कितने मिनट आगे हो जाएगी दोस्तों, 2.5 मिनट और लगभग आगे हो जाएगी। तो ये 30 मिनट तो यहाँ तक इसके हो जाएंगे, लेकिन घंटे वाली जो सुई है वो आगे बढ़ जाएगी। कितनी आगे बढ़ेगी उसके लिए हल कर लेते हैं। तो 30 मिनट तो यहाँ तक इसके पॉइंट तक आना ही है इसे, तो 30 मिनट ले लेंगे हम, ये वाले 30 मिनट हो गई, अभी ने हल कर लेते हैं। तो 6 हमारा ऐसा ही रहेगा, 6 को कुछ छेड़ना नहीं, इनकी गुणा कर लेते हैं। 30 × 12 = 360/11। अब इसको इसका हल कर लेते हैं, 11 × 33 और बचेंगे 3, 11 × 2 = 22 और आपका 8, तो आपका होगा 32 सही, 8/11 यानी कि 6:32 सही, 8/11 ये आपका जो उत्तर है हो जाएगा। क्योंकि 2 मिनट कुछ सेकंड जो मिनट वाली सुई है 30 के बाद 2 मिनट कुछ सेकंड जो यहाँ पर आ जाएगी, फिर घंटे और मिनट वाली जो सुई है दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे दोस्तों। तो ये 6:32 सही, 8:11 पर एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर जो लेना है ना, वही लेना कि इतनी दूरी यहाँ तक, जहाँ पहले घंटे वाली सुई थी, तो मिनट वाली सुई उसको वहाँ तक आने पर 30 मिनट लेगी। तो वहाँ के बाद जो मिनट निकालेगा, तो वो आपको 30 मिनट लेना है, यहाँ तक की जो दूरी है जो हल करोगे वहाँ से निकल के करेक्ट आ जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ विपरीत दिशा में होंगी। विपरीत दिशा यानी कि 180 का कोण कब बनाएंगी, 180 का कोण आपको। अब हम सेकंड वाले में एक क्वेश्चन यहाँ से करा देते हैं, ताकि आपकी वीडियो काफ़ी बड़ी ना हो। तो इसे हल करने के लिए आपका वही सूत्र लगेगा, आपको एक ही सूत्र है, 12/11 मिनट। आपको भी यही इस सवाल में यही आपको जो सूत्र है यही लगाना है। तो जो पहला समय 7, उसको कुछ छेड़खानी करनी, उसको ऐसे ही रहने देना, बाकी आगे गुणा करते हैं। तो 12/11 गुणा, अब दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि 7 और 8 के बीच, तो हम बात करेंगे जब हमारी सुई होगी यहाँ 7 बजे, जब हमारी सुई 7 बजे होगी, तो विपरीत दिशा में हमारी जो सुई है वो कब होगी, जब मिनट वाली सुई चल करके एक हमारा है यहाँ, यानी 5 मिनट पर आ जाएगी। जो हमारी मिनट वाली सुई पाँच यहाँ से चलने के बाद 5 मिनट पर आ जाएगी, तो वो 7 के बिल्कुल विपरीत दिशा में हो जाएगी, 180 का यहाँ से ये 180 का कोण बनाएगी, फिर 180 का कोण, तो कै मिनट बाद, 5 मिनट बाद, तो मिनट कितनी हो जाएगी, 5। अब ऐसा हल कर लेते हैं, 12×50 = 60/11, तो 60/11 को हल करेंगे तो 5 सही, 5/11, अगर इसे 60 को 11 से काटते हैं तो 5 सही, 5/11 बार कटेगा। उसके बाद 7:05 सही, 5/11 जो आपका जो सही समय वो होने वाला है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको ये हल करना है दोस्तों। तो ये इसका सही आंसर दोस्तों। ये घड़ी के माध्यम से आप इसको ट्रिक समझो या एक तरीका समझो, यहीं से आप इनको हल कर सकते हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमने एक क्वेश्चन और ले लिया है, इसी का विपरीत दिशा वाले का, कि 2 और 3 बजे के बीच
घड़ी की जो सुइयां हैं वो कब विपरीत दिशा में होंगी, किस समय वो टाइम क्या होगा जब दोनों घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में होंगी। तो इसके लिए दोस्तों आपको सूत्र है ए 12/11 गुणा मिनट, ये आपका सूत्र है, इसी में आपको रख देना जो दो और तीन, तो दो को छेड़ना नहीं है, उसके बाद आपको हल करना है, दो को ऐसे ही रखना है 12/11। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दो और तीन बजे के बीच, तो दो तीन के बीच में बात करें तो यहाँ हमारा अगर सेंटर है तो एक जो घंटे वाली सुई होगी हमारी यहाँ होगी और मिनट वाली जो सुई होगी मान लो यहाँ होगी, ठीक है दोस्तों। अब वो कह रहा है कि दो और तीन बजे के बीच विपरीत दिशा में जब मिनट वाली सुई हमारी घूम करके इस प्रकार से घूमती हुई अगर आ जाएगी, ये लगभग इसके सामने 8 बजे के सामने लगभग हो जाएगी, तो कितना मिनट हो जाएगा, ये मिनट हो जाएगी 8×5=40, 8 जब ये घूम करके मिनट वाली सुई 8 पर आ जाएगी तो यहाँ हो जाएंगे 40 मिनट, कितने हो जाएंगे दोस्तों 40 मिनट, तो 40 मिनट आपके हो जाएंगे, तो इसमें कितना मिनट लेना 40, तो गुणा 40, यहाँ तक आपके होने में 40 मिनट, ये घूम कर मिनट वाली सुई 40 मिनट घूम करके आएगी तब तो 8 पर आएगी, तब एक दूसरे के आमने सामने होंगे दोस्तों, क्योंकि दो और तीन के बीच के रहे तो दो से ही स्टार्ट करेंगे, अब वो कितनी नीचे जाती है उसके हमें पता नहीं, हम दो से ही मानते हैं और दो को हम छेड़ते नहीं, दो को ऐसे ही रहने देना, अभी मैं हल कर लेना, तो 12×40 480/11, अगर हम 11 से 480 को काटते हैं तो 11 सही, 11 चौके 44, 4 और 40, 11 33, 43 और 7, यानी 43 सही, 7/11 इसका जो उत्तर होगा 2:43 सही 7/11, ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। ये इतने मिनट पर एक दूसरे के यानी 40 और 3 43 लगभग यहाँ आके एक दूसरे से मिलेंगे दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, अब बात कर लेते हैं समकोण पर जो 90 डिग्री का कोण है वो कब बनेगा, तो 4 और 5 बजे के मध्य कब घड़ी की सुइयां समकोण बनाएंगी यानी 90 अंश का कोण पर कब बनाएंगी, तो दोस्तों इसमें सूत्र है आपका ए, वही सेम सूत्र है 12/11 गुणा मिनट दोस्तों लेनी होगी, तो कह रहा है 4 और 5 बजे के मध्य, 4 और 5 तो 4 से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो हमारी घड़ी की सुई होगी यहाँ पर होगी, और 4 और 5 के मध्य 90 अंश का कोण कब बनाएंगी, तो 90 अंश का कोण बनाने के लिए जो आपको सही तरीका है वो यही है कि जो ये 12 है 12 से एक सुई 12 पर होगी और दूसरी सुई जो होगी हमारी वो 3 पर होगी, तब 90 अंश का कोण बनेगा, क्योंकि 15 मिनट बाद 90 अंश का कोण बनाएगी, तो दोस्तों 15 मिनट का गैप होना चाहिए तभी 90 अंश का कोण बनेगा, 5, 10, 15, 12 से 15 मिनट का कोण यानी 3 बजे ये 90 अंश का कोण बनाएगी, क्योंकि 90 अंश का जो कोण होता है वो आपका इस प्रकार का होता है, आप जानते होंगे ये हो गया 90 अंश का कोण, ये जो होगा ये 90 का होगा, तो इस प्रकार से जो भी सुई होगी यहाँ से यूँ और ये सीधी तब ये 90 अंश का कोण बनाएगी। अब वो कह रहा है 4 पर कब बनाएगी, तो 15 मिनट बाद आपकी सुई बनाएगी, 5, 10, 15 पर बनाएगी, तो अब 5 आगे बढ़ गया तो 5 यहाँ से कम कर दो, तो इसको यहाँ कर दो सुई को, ये वाली सुई को यहाँ कर दो, और जो 3 पर जो सुई है उसे 4 पर कर दो, तो कितने मिनट हो गए दोस्तों आपका 5, 10, 15, अभी भी 15 मिनट का गैप है, तो इन दोनों के बीच, किन दोनों के बीच दोस्तों, इन ये दो सुई हैं, 5 इसको यहाँ बढ़ाया तो 3 से 5 इधर बढ़ा दिया, अब ये जो सुई होगी दोनों, इन दोनों के बीच जो कोण होगा ये 90 अंश का कोण होगा, तो दोस्तों अब यहाँ से रख लेते हैं तो कितना मिनट बन रही है दोस्तों हमारी, तो आप मिनट देख लो, हमने यहाँ से यहाँ 5 मिनट बढ़ाया तो कितने मिनट 5 मिनट, तो यहाँ आपको 5 मिनट रख लेना है, तो आपको करना है 12/11 × 5, 12×5=60, 60/11, अब इसको कर लेना 11 सही 11×55 और 5, तो 5 सही 5/11 यानी कि 4:05 इतने बजे पर ये दोनों सुइयां 90 अंश का कोण बनाएंगी दोस्तों। ये हमने आपको इन तीनों पर सवाल हल करना सिखा दिया, किस प्रकार से आपको हल करना, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, जब दर्पण में हम समय देखेंगे तो घड़ी में कितना बजेगा और जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो समय घड़ी का जो समय है वो क्या होगा,
वो आपको हल करना है। दोस्तों इसमें जो सूत्र है, इसके लिए जो सूत्र है वो है, अगर आप दर्पण में देखते हैं तो 11:60 या आप कर लोगे 11:60, या तो इसमें से आप घटाओगे या 23:60। अब 23 क्यों आया, तो 12 घंटे होते हैं, तो 11 और 60 12 घंटे हो गए पूरे, 23 और 60 यानी 23, ये भी एक घंटा होता है, ये 24 घंटे। किसी किसी घड़ी में 24 घंटे तक बजते हैं जो रेलवे स्टेशन पर होती थी उनमें, तो इस प्रकार से ये दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों दर्पण के लिए, अगर दर्पण में आपको हल करना है तो आपको क्या करना होगा, इसमें आपको 18:30 या 17:90 इनमें से आपको घटाना है, इसमें से और इसमें से किसी में जो आपका उचित होगा, हम सवाल करेंगे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से इनको घटाना होता है दोस्तों। तो या तो आप इसमें रखना है या उस इसमें से घटा देना। ये से एक ही बात है, 18:30 थी, हमने एक तो 60 मिनट को दे दी, 90 कर दिया और 18 का 17 घंटे हो गया, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, आप इसे समझ चुके होंगे दोस्तों। अब इस पर देखते हैं हल करके कि इसमें किस प्रकार से आपको हल करना है दोस्तों। तो इसका एक सवाल ले लेते हैं हम इसे हल करने के लिए। मान लो 9:00 किसी घड़ी में 9:40 का समय हो रहा है, तो दर्पण में कितना होगा, तो दर्पण में हल करने के लिए 9:40 को हमें क्या करना है, 11:60 में से इसे घटा देना है 9:40, तो कितना आ गया दोस्तों, 20 और आपका 2, तो 2:20 उसमें दिखाई देगा दर्पण में। और यही बात करें 9:40 को अगर हम जल में देखें, जल प्रतिबिंब में देखें तो कितना बनेगा, तो इसे हल करने के लिए, तो आप देखो इसमें 9:40 हो रहा, तो हम 18:30 में से नहीं घटा सकते क्योंकि 30 मिनट कम है, हमको इसका सहारा लेना पड़ेगा 17:90 का, और इसमें 9:40 क्योंकि जो मिनटें हमारी ज़्यादा हैं और 8:30 ये मिनट कम है, तो मिनट इसमें ज़्यादा है, तो हमें इसमें से इसको घटाना, इसलिए आपको समझाया था। तो इसमें कितना होगा, 50 मिनट होगी दोस्तों, और 17 में से यदि 9 घटाओ तो 8:50 पर ये जल में इसका चित्र में जल में इतना दिखाई देगा और दर्पण में आपको इतना दिखाई देगा 9:40 का। तो ये था दोस्तों आपको घटाने का तरीका। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी पर, इसे हल कर लेते हैं। मान लो 11:40 हैं, तो दर्पण में कैसे होगा, तो 11:40 हैं, तो 11:40 के लिए हमें क्या करना होगा, हमको इसमें से घटा देंगे इसे 23:60 में से हम 11:40 कम कर देते हैं, इसमें से भी घटा सकते हैं, लेकिन हमें इसमें से आपको सही आएगा, अगर इसमें से घटाएंगे तो 11 में से 11 तो 0 आ जाएगा, इसकी वजह इसका प्रयोग ना करके हमें इसका प्रयोग करना है, तो इसे घटा लीजिए, 60 में से 40 गए तो 20 मिनट हो गई, और 23 में से 11 अगर कम कर दिए जाएँ तो आपका हो जाएगा दोस्तों 3 में से 2 गया 1 और 2 में से 1, तो 12:20 आपका जो समय है वो दर्पण में दिखाई देगा दोस्तों। और यहीं अगर हम इसमें देखते हैं 11:40 को अगर जल प्रतिबिंब में देखते हैं, तो इसको क्या करना है, आपको फिर से इसमें से घटाना होगा, ये 40 मिनट है, हम 40 मिनट की जगह अब की बार क्या कर देते हैं, हम चलो 40 पर भी निकाल देते हैं एक बार, और उसके बाद थोड़ा मिनट कम करेंगे तो इसमें से घटा देंगे, ताकि आपको इसमें से भी समझ में आ जाए। तो 17 घंटे 90 मिनट को 11:40 कम कर देते हैं तो 50 मिनट आएंगे दोस्तों, और 17 में से यदि 11 जाते हैं तो आपके 6:50 ये जल में दिखाई देगा। अगर यदि इसको हम 20 कर देते हैं, तो अब हम इसमें से नहीं इसी में से घटा देंगे दोस्तों, 18:30 में से 11:20 हम कम कर दें तो 10 मिनट ये होगी दोस्तों, और 18 में से 11 अगर कम कर दें तो 7:10 ये आपका जल प्रतिबिंब में दिखाई देगा। और वही जो 11:20 का जो समय है, 11:20 का समय अगर दर्पण में होगा तो कैसे होगा दोस्तों, 11:20 का समय, 11:20 का जो समय है अगर हम इसे दर्पण में देखते हैं, तो अब की बार 11:20 है तो हमें फिर से यहीं घटा दो, या यहाँ से भी आप घटा सकते हो, यहाँ से देखो किस प्रकार से घटेगा, तो
वे पहले वाला भी हमारा 11 से घट जाता, हम इसको घटा के दिखा देते हैं। तो आपका 11:20 का समय है, तो 11:60 में से कम करना है 11:20 का जो समय हमारा, तो ये कितना होगा 40 मिनट हो गया दोस्तों। और 11 में से गए 0, तो जो 0 होता है दोस्तों, आप जानते हैं 0 को हम 12 ही बोलते हैं, तो 0 अगर जहाँ जाए तो उसे 12 ही आप समझना कि हाँ 12 बज गया है। तो या तो 0 आ जाए 12 हो गया, या फिर 23 में से घटा दो तो आपका 12 ही निकल के आएगा इसका, जैसे यहाँ निकल के आया था। आशा है आप जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब को आसानी से समझ गए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये तो था घड़ी का चैप्टर, अगर आपके समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं, वहाँ से हम आपका जवाब दे देंगे दोस्तों। दोस्तों बहुत मेहनत की है इसे समझाने के लिए, और दोस्तों शॉर्ट तरीके से ही आपको ये समझाया है। जो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों अपने जो साथी हैं उनके लिए भी शेयर कर दें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।